वैसे तो शादियों में बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के लोग आपको अलग अलग गिफ्ट देते हैं, पर कई बार आपको ऐसी चीज मिल जाती है ना जिसकी आपको एग्जैक्ट जरूरत होती है। जैसे कि मैं और पूजा पिछले कई महीनों से मतलब प्लान कर रहे थे कि हम एक चीज स्पेशल कुछ लेने वाले हैं अपने काम के लिए, बट बहुत एक्सपेंसिव थी और पिछले दिनों जो शादियों में बहुत सारे हमारे खर्चे हो गए, तो हमने सोचा कि ठीक है इसको कुछ दिनों बाद लेते हैं। पर वो चीज हमें गिफ्ट मिल गई और हमारे बहुत ज्यादा काम किया, किसी खास इंसान ने दिया है ये गिफ्ट है वो, और इसके अंदर क्या है ये आपको ब्लॉग के लास्ट में पता लगेगा, तो पूरा ब्लॉग देखते रहिए। पिछले कुछ देर से अभी हम लोग IGTV शूट कर रहे थे पूजा के लिए, और अभी जस्ट हमारा शूट खत्म हुआ है, इसके इंस्टाग्राम के लिए आज ही शूट चल रहा था अभी देर से। और हाँ, कल एक छोटा सा हादसा हो गया कि वो जो मैं पुराना जो पुरानी जो ग्लास पहनती थी काला सा गोल गोल पे, वो मैंने बेड पे रखा था गलती से खोल के, कुछ मैंने शीट मार्क्स लाया था इसलिए, और ये आदमी जरा दुख हुआ ना इस आदमी को, ये उस पर बैठ गया, उसकी हालत बहुत ही खराब, इन्हें मेरे टेढ़े हो चुके हैं जिसकी वजह से मैंने ये लगाया है। मैं तो उस पे एक बार बैठा हूँ, ये उसको दो तीन बार तोड़ चुकी है और मैं बार बार उसको ठीक कर चुका हूँ, लेकिन इस बार फाइनली मुझे लगता नहीं कि जो उसकी हालत है वो ज्यादा ठीक होगी। बट ये जो इसका जो चश्मा है ना, इस बार ऐसा लग रहा है जैसे मनी हाइस्ट का जो प्रोफेसर पहनता ना, बस उसका ग्लास जो है वो थोड़ा ब्लैक कलर का डिजाइन मुझे भेजा था कोलकाता से, और तुम्हारे भाई को पता है ना कि तुम चश्मा तोड़ोगी अपना, तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। हाँ, अब आते हैं उस सरप्राइज गिफ्ट के पास और बताते हैं कि वो क्यों इतना स्पेशल है, और जाहिर सी बात है स्पेशल है तो स्पेशल वरने ही किसी ने गिफ्ट किया होगा, तो वो है आपका नहीं मेरा, आपका नहीं, अच्छा हमारा, वो है सोनी का ZV-E10 कैमरा। सच कहूं मुझे ना ये बहुत दिनों से लेना था, और जब भी मैं आपको बताती हूँ ना कि हम डेली ब्लॉग नहीं कर पा रहे हैं, तो ना हम दोनों ने डिस्कस किया था कि हम स्पेशली मुझे ये चाहिए था कि ये लेते हैं, इससे डेली ब्लॉग छोटा सा कैमरा डेली ब्लॉग बहुत आसानी से होगा। लेकिन सच कहूं तो ये शादी ब्याह में, फिर अभी जैसे कश्मीर भी जाना है, उसका भी प्लान है, वैष्णो देवी जाना है, तो उसमें ना बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे, तो और हमने सोचा था कि अभी थोड़े दिन बाद लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ी सी पैसे की तंगी थी सच कहूं तो, क्योंकि लेकिन कहते नहीं है क्या कहते हैं वैसे, चलो जो भी कहते हैं तो ये मुझे गिफ्ट मिला शादी में, और ये जिन्होंने गिफ्ट किया है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे नहीं राहुल के भी, और मेरा वैसे बेस्ट बड़ी है कि मैं बहुत टाइम ऐसा होता ना कि मुझे कुछ शेयर करनी होती राहुल के बारे में, अगर हम दोनों की कोई बात तो मैं उनसे एडवाइस मतलब मेरी बुराई मिल के करते हैं, मैं इसकी बुराई करनी होती है तो मैं उसके सामने ही करती हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली हम दोनों का चाणक्य है, तो वो है राहुल का भाई मिंगसू भाई, जिन्होंने मुझे शादी में गिफ्ट किया। आई लव यू भाई, थैंक यू सो मच। दीपक नाम है और ये मिंगसू बोलती है, घर का नाम मिंगसू है। हाँ, अच्छा दीपक अच्छा नाम है। हाँ, मुझे लगा अच्छा नाम मिंगसू है। ये इनका फेवरेट भाई है। क्या फेवरेट भाई है, मुझे लगा मिंगसू अच्छा नाम है, दीपक घर का नाम है तो उसमें क्या हुआ, मैं मिंगसू हमेशा से बोलती थी, तो उन्होंने मुझे वो हमेशा ना राहुल को पूछता था कि, और कैमरे के साथ एक और चीज आई है, मतलब मुझे पहले बोलने दो, मुझे बोलने दो, हाँ वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो मैं कहा थी वो हमेशा राहुल को बोलता था कि भाभी को क्या गिफ्ट देना है, समझ नहीं आ रहा था, और सच में मैं मजाक मजाक में बोलती थी राहुल को, अच्छा मिंगसू अगर इतना ही बोल रहे कि गिफ्ट देना तो उसको बोलो ना कि ये कैमरा हमें दिला दे हमें ब्लॉगिंग के लिए, मतलब मजाक में बोलती थी मैं, गलती से भी ऐसा नहीं सोचती कि 75,000 की कैमरा मैं ऐसे किसी से, मतलब उससे हो या किसी से, मैं अपने पापा से भी नहीं मांग सकती मुझे 75,000 का कैमरा दे दो सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए, मैं सोचा मैं अपने पैसे से ही खरीदूंगी, तो मैं इसको ना मजाक मजाक में बोला करती थी, और ये बाद में जब ये मिल चुका था तब इसने मिंगसू को बताया, और सच में उसने ये दिया ना मुझे, और ये मेरे काम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और सबसे अच्छी बात ये है कि आपसे जो प्यार करती है आपके रिश्तेदार हो या जो भी हो, उसको आपकी काम की या कदर होना, वो उसने मेरे चैनल के लिए, मेरे नहीं हमारे सबसे बेस्ट यही थी कि उसने हमारे चैनल के लिए सोचा, इतना सोचा, उसने बोला कि आप और बेस्ट कर सकते हो, मुझे उसको हमारे सारे वीडियोस कैमरा ओपन करके दिखाओ, उसको मेरे सारे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसने मेरे काम के बारे में सॉरी हमारे काम के बारे में इतना सोचा ना, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ, वैसे नहीं शुक्रगुजार नहीं हूँ, मैं भाभी हूँ लेना बनता है, लेकिन इतने पैसे से वो खर्च कर देगा ना, तो मुझे एक पल के लिए धक्का लग गया था, जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है, वैसे पहले ये कैमरा दिखाएगी, इसके बाद मैं इसके पीछे की स्टोरी बताऊंगा, कैमरे के पीछे की स्टोरी, तो ये है कैमरा, ओह माय गॉड, तो अब ये रीजन मेरे हाथ में है जो हम डेली ब्लॉग करेंगे, ये देखिए एक तो ये चीज, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, ये हमारा पहले वाला कैमरा, इसका साइज देख लीजिए। हाँ, इससे ब्लॉग करना पॉसिबल नहीं है, और फोन से क्या ना वो क्लैरिटी नहीं आ पाती है, जो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने बोला था जब ये लूंगी तभी करूंगी अच्छे से डेली ब्लॉग, और ये है सोनी का कैमरा,
और इसकी बहुत अच्छी रिव्यू है और ये पता आउट ऑफ स्टॉक था, ये मुंबई सीएसटी सेंट्रल से लेके आया। अब मैं इसके बिहाइंड द स्टोरी बताता हूँ। ये कैमरा पिछले 1.5 महीने से इंडिया में आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, क्योंकि जब इसका पहला वर्जन आया था ना सोनी ZV-1, वो आपको आसानी से किसी भी साइट पे मिल जाएगा, आप फ्लिपकार्ट पे ले सकते हो, अमेजोन पे ले सकते हो, सोनी की साइट पे ले सकते हो, बट ये आते इस कैमरे ने इतनी धूम मचा दी थी कि पिछले 1.5 महीने से आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। बड़ी मुश्किल से, मतलब मॉर्निंग होते जैसे मेरे भाई ने कहा था कि यार एक कैमरा तुम लोगों को गिफ्ट करते हैं, तो मैं मॉर्निंग से लग गया था, जितने भी मुंबई के बड़े बड़े डीलर थे मैंने हर जगह फोन किया, फिर फाइनली एक डीलर ने मुझसे कहा कि भाई एक पीस रह गया है, अगर आप एडवांस पैसा को जमा कर दोगे तो आपको मैं दे दूंगा। तो मैंने 5,000 उसको एडवांस दिया था, बाकी जितना पेमेंट था उसका मतलब 70,000 का कैमरा है और बाकी जो पेमेंट बचा था वो मैंने उसको जाके दिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, मैंने बात नहीं, ये गिम्बल लेके गिम्बल के साथ ही 80,000 है, ये गिम्बल ही सिर्फ इसका 10,000 का गिम्बल है ये जो मैंने अलग से लिया। मैं आपको बता दूं कि इस कैमरे के संग ये गिम्बल नहीं आता, ZV-1 के संग ये गिम्बल आता है, बट ZV-10 के संग ये गिम्बल नहीं आता, आपको अलग से लेना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि इस गिम्बल के बहुत सारे फायदे भी हैं और दोनों, वो उतना बड़ा कैमरा, ये छोटा सा कैमरा और छोटू सा गिम्बल, आप इसको लेके कहीं भी, इतनी हैंडी है ना, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अभी हम कश्मीर का और वैष्णो देवी का सारा ब्लॉग इससे बनाने वाले, क्योंकि उतना बड़ा ना बहुत भारी है और मैं सच को तो ऑपरेट नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। और एक सबसे बड़ा जो फर्क है बता देता हूँ आपको कैमरे में, ZV-1 में क्या है ना, जो मुझे स्पेशली यही चाहिए था, क्योंकि ZV-1 और मतलब नॉर्मली मिल रहा था, बट मुझे चाहिए था ZV-10 E10, क्योंकि इसका जो लेंस है ना, इस कैमरे का आप लेंस चेंज करके बड़े बड़े लेंस लगा सकते हो, बट ZV-1 में ऐसा नहीं है, उसमें इनबिल्ट जो लेंस होता है उसको आप बदल नहीं सकते हैं, ये सबसे बड़ा फर्क है। इसलिए ये 10,000 उससे कॉस्टली है, बट मैंने सोचा था कि यही कैमरा लेना है, क्योंकि भाई ने कहा था कि जो भी लेना बेस्ट लेना, कम से कम कुछ सालों तक वो चलता रहे, तो मुझे लगा यार इसको लेंस को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए हाथ में कितना हैंडी है, हाथ में आराम से आ जा रहा है और मैं भी इसको ना अच्छे से यूज कर पा रही हूँ, मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। मैं जब क्या कहते हैं बड़ा वाला कैमरा इसके हाथ में देता हूँ ना, तो ये पूरा हाथ का काफी लगता है, वो भारी है, वो ऑपरेट करना इतना मतलब आसान नहीं है, तो ये जितना आसान है ना, इसके साथ बहुत इजी है यूज करना। और इसको आप अलग से भी अगर आप यूज करना चाहो ना, इससे फोटो वोटो आराम से आप खींच सकते हो, जूम कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, पूरा हैंडल आराम से इसको आप यूज कर सकते हो। तो ये था वो सरप्राइज गिफ्ट जो कि बताया कि जो चीज आपके काम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो या आपके वीडियोस को या आपके काम को आगे बढ़ा सकता है, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। वैसे सबने जो गिफ्ट दिया वो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, सबने बहुत प्यार दिया है, लेकिन ये काम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है ना हमारा, तो हमारे और बता नहीं सकते। हमारे फैमिली हमसे जितना प्यार करते हैं, आप भी हमारे फैमिली हो जो हमें देख रहे हो, तो आप भी प्लीज हमें अपना प्यार दो, हमें बस हमें देखो आप, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो, अगर नहीं अच्छे लगे तो शेयर मत करो, लेकिन देखा जरूर करो। और ये कमेंट क्या करो यार, देख ले तो देख, कमेंट अगर लिखना भी नहीं चाहोगे, दो दिल दे दिया करो ना स्टिकर में, उतने में हमारा दिल घायल हो जाता है, वो दो दिल देख के आपका, तो कमेंट जरूर किया करो। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अपने अगले ब्लॉग पे। तो आज वैसे बहुत थक गई हूँ, क्योंकि सुबह से ना अभी फोटो शूट किया, IGTV शूट किया, प्लस ब्लॉग भी, आपका डेली का ब्लॉग चालू है, तो बहुत थक गए, अभी इतने बोले हैं ना तो अभी जुबान नहीं खुल रही है। वंस अगेन थैंक यू सो मच मिंसू भाई, थैंक यू, आपको आपकी भाभी निराश होने नहीं देगी और बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाएगी, ये बनाए ना बनाए मैं जरूर बनाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। हाँ, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।